एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर पार्ट हम करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसमें हमें ये जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इन लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू हमें किसी भी मेथड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो एक्स माइनस वन है हम इसे इक्वेशन वन कह देते हैं, सॉरी ए कह देते हैं, और इसे इक्वेशन बी कह देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डेनोमिनेटर में इक्वेशन ए में डेनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस वन, और बी में एक्स माइनस वन। इसी प्रकार से यहाँ पर वाई माइनस टू, और यहाँ पर डेनोमिनेटर में क्या है, वाई माइनस टू। बिकॉज यहाँ पर जो डेनोमिनेटर है वो कैसे हैं, इक्वल हैं, तो हमें क्या करना होगा, वन बाय एक्स माइनस वन को हम u मान लेंगे और वन बाय वाई माइनस टू को हम v मान लेंगे। यहाँ पर लेट वन बाय एक्स माइनस वन इक्वल टू यू एंड वन बाय वाई माइनस टू इक्वल टू V। तो यहां पर हो जाएगा, तो इक्वेशन बदल करके क्या हो जाएगा, फाइव यू प्लस वन बाय वाई माइनस टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू टू। ये हो जाएगा सिक्स यू माइनस थ्री वी इक्वल टू वन। इसे इक्वेशन कह देंगे वन और इसे इक्वेशन कह देंगे टू। अब इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर v का कोफिशियंट कितना है, थ्री है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी v का कोफिशियंट क्या हो जाए, थ्री हो जाए, क्योंकि हमें कोफिशियंट को पहले इक्वल करना होता है। तो इसके लिए इक्वेशन वन में मुझे किसका इंटू करना पड़ेगा, थ्री का। तो यहां लिख दूंगा मैं ऑन मल्टीप्लाइंग बाय थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें हम थ्री का इंटू कर देते हैं, कितना बन जाएगा इक्वेशन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन यू प्लस थ्री का बी में इंटू होगा तो थ्री बी, और थ्री टू जा सिक्स। नीचे वाली इक्वेशन जस्ट का तस लिख देंगे हम, यहां पर प्लस थ्री बी और माइनस थ्री बी ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, ऑन एडिंग। यहां पर हमें सब्ट्रैक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। 15 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21u is equal to 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। हमें u की वैल्यू चाहिए तो 7 बाय 21, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, तो u is equal to 1 बाय 3। अब हम वापस u को चेंज कर लेते हैं x वेरिएबल में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि u का रिलेशन किससे है, x से। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब हम क्या करें, u की जगह पर ये पूरा पुट कर दें, तो 1 बाय एक्स माइनस वन इक्वल टू 1 बाय थ्री। शेष रिमेनिंग पार्ट में इधर कर लेता हूं। यहां पर हम क्या कर दें, ऑन इनवर्सिंग, ऑन इनवर्सिंग, हम इसका क्या कर रहे हैं, या ऑन रेसिप्रोकल लिख सकते हैं आप, ऑन इनवर्सिंग कर ले, हम पलट रहे हैं इसे। तो जो डेनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी, और जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो डेनोमिनेटर में आ जाएगी, क्योंकि डेनोमिनेटर में ये वाला वन नीचे चले जाएगा और इधर भी ये वाला वन नीचे आ जाएगा, तो नीचे वन को हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस वन का मैं इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 4। तो हम फर्स्ट वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट हम कर चुके हैं।
इसे भी कोई इक्वेशन कह सकते हैं आप। इक्वेशन 1 2 हो गया था, तो हम इसे 3 इक्वेशन कह देते हैं क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता होगी। हमारा ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2, ये किस में है? यू और वी में है। तो हम यू की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब सेकेंड वेरिएबल कौन सा बचा है? वी। तो हम क्या करें, ये यू की जो यू वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे 1 में पुट कर दें इस जगह पर, तो हमें वी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम इसे लिख देते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये रहा हमारा 5u + v = 2। तो उसे एक बार लिख लेंगे वन टाइम, 5u + v = 2। 5 u की जगह पर हम क्या रख देंगे? 1/3 प्लस वी इक्वल टू 2। तो यहाँ हो जाएगा 5/3 प्लस वी इक्वल टू 2। 5 u की जगह पर हमने 1/3 रखा है, v इक्वल टू 2। ओके, अब यहाँ से हमें v की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब इधर सॉल्व कर लेते हैं इसे। एक बार मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, 5/3 प्लस v इक्वल टू 2। यहाँ से मुझे v की वैल्यू चाहिए, तो ये 5/3 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, इसका डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 लिख लो। 3 2 जा 6, 5 बन जा 5 और 3 बन जा 3। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, 1/3। या इधर का साइन लगेगा यहाँ पे। तो v की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है, 1/3। लेकिन v जो है, इस v का रिलेशन किससे है, y से, और हमें y वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो v की जगह पर वापस से हम क्या रख देंगे, 1/y - 2 = v की जगह पर हमने ये रखा है, ये 1/3। यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, ऑन इन्वर्सिंग व्युत्क्रम लेने पर, ऑन इन्वर्सिंग, तो ये y - 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 भी ऊपर चले जाएगा। हम यहाँ से 2 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो y = 5। इस तरह से हमने x वेरिएबल की वैल्यू 4, y वेरिएबल की वैल्यू 5 फाइंड आउट कर ली है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। धन्यवाद। कुछ डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।